प्रेज लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको फिर एक बार मसीह वंदन। फिर एक बार अपने बाइबल अध्ययन में इस नए वीडियो के साथ आपके सामने आने का अवसर प्रभु ने दिया, प्रभु का धन्यवाद हो। पिछले वीडियो में हमने बाइबल के शुरुआत के बारे में अध्ययन किया। हमने देखा बाइबल किस प्रकार लिखा गया है, किन किन चीज़ों को शुरुआत में लिखने में उपयोग किया, क्या उस समय लिखने की विधि थी, कौन कौन व्यक्ति को बाइबल लिखने के लिए परमेश्वर ने उपयोग किया, इन सारी बातों को हमने पिछले वीडियो में देखा है। ये सेकंड पार्ट में हम खास करके बाइबल के हस्तलिपि के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। बाइबल के हस्तलिपि, उसको हम इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। हम जानते हैं कि 1440 में जर्मनी में जोहन्नास गुटेनबर्ग के द्वारा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आविष्कार किया। तब तक कोई भी पुस्तक छपा नहीं, तब तक बाइबल के अध्ययन हेतु बाइबल के अनेक हाथ से लिखा हुआ कॉपियां बनाया गया है, पांडुलिपि या हस्तलिपि। हम देखते हैं कि बीसी 300 से लेकर के एडी 500 तक, अर्थात ईसा पूर्व 300 से लेकर के ईस्वी सन 500 तक के जो पीरियड में बाइबल के अनेक हाथ से लिखा हुआ कॉपियां बनाया गया। इस पीरियड को इतिहास में तलमूद पीरियड कहते हैं। इन दिनों में बाइबल के पांडुलिपियां इसलिए बनाए गए हैं कि इसराइल देश के या यहूदियों के सिनागोग में उसको पढ़ा जाए और सिनागोग में उसको सुरक्षित भी रखते थे। और दूसरा, बाइबल अध्ययन करने हेतु बाइबल विद्यार्थियों के लिए कॉपी की जरूरत थी, इसलिए हाथ से बहुत केयरफुली हाथ से लिखा हुआ बाइबल की अनेक प्रतियां बनाए गई। इस प्रतियों को हम हस्तलिपि कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। हम देखते हैं कि बीसी 168 में जब सीरिया के लोग इसराइल देश के ऊपर में अटैक किया, कब्जा किया, इतिहास में हम देखते हैं एंटियोकस एपिफानस के द्वारा सीरियंस यरूशलेम पर कब्जा करके यरूशलेम सिटी को, पवित्र नगर को, यरूशलेम मंदिर को अशुद्ध किया। उन पीरियड में उनको मिला हुआ सारे बाइबल की प्रतियां, हस्तलिपि उन्होंने नष्ट कर दिया। और वही समय था जो मत्तियास नाम एक महायाजक और उनके बच्चों के साथ सीरिया के लोगों के विरोध किया, और उनके एक बच्चा जो है, जो मक्काबी नाम से उनको बाद में नाम दिया गया है, जूडस मक्काबीस, उन्होंने अपनी सेना तैयार करके सीरियन के विरुद्ध में लड़ाई करके सीरियन के हाथ से यरूशलेम को बचाया। और वो लड़ाई को हम मक्काबियन रिवोल्ट कहते हैं। उस पीरियड में जो अनेक बाइबल के कॉपियां नष्ट कर दिया गया है, लेकिन बीसी 167 से लेकर के एडी 133 तक के जो पीरियड है, उस पीरियड में फिर से अनेक बाइबल के प्रतियां, हाथ से लिखा हुआ प्रतियां बनाया गया, जो बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स फिर से बनाए गए। उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को, क्योंकि पहले जैसा नष्ट हो जाने का संभावना होने के कारण, उसे जो लोगों ने छुपा के रखा है, हाइड करके रखा है, इस प्रकार डेड सी के पास में खुमरान एरिया में गुफाओं के अंदर में इस प्रकार के बाइबल के हस्तलिपि बाद में पता फाइंड आउट किया है। 1947 में उसको खोज अध्ययन के द्वारा फाइंड आउट किया है, और वो आज डेड सी स्क्रॉल के रूप में माना जाता है। आगे हम देखते हैं बाइबल के हाथ से लिखा हुआ कॉपीज, मैन्युस्क्रिप्ट, हस्तलिपि, उसको हम कोडेक्स कहते हैं। सबसे बड़ा सबूत के रूप में बाइबल के हाथ से लिखा हुआ कॉपी है
जो उसको डेड सी स्क्रॉल्स नाम दिया गया है, स्क्रॉल्स लेदर के अंदर में लिखा हुआ स्क्रॉल्स है। सो अचानक 1947 में एक चरवाहा बालक अपने भेड़ बकरियों को चराते चराते डेड सी के पास खुमरान एरिया में उस गुफा के पास आया। खोई हुई उनकी ये भेड़ को ढूंढते ढूंढते गुफा के अंदर में गया और गुफा के अंदर में ये मिट्टी के जार के अंदर में लिखा हुआ पुस्तक के लेदर के ऊपर लिखा हुआ पुस्तक की कॉपियां मिली। इस बात को पता चलने के कारण 1947 से लेकर के 1956 तक खुमरान एरिया में उत्खनन करने के द्वारा खुमरान एरिया के 11 केवों के गुफाओं के अंदर में से बहुत सारे बाइबल के हाथ से लिखा हुआ कॉपियां फाइंड आउट हुआ है। और वो कॉपियों में जब जांच किया तो पता चला इस पुराना नियम के एस्थेर के पुस्तक को छोड़ करके बाकी सारे पुराना नियम के बुक्स के कॉपियां उसके अंदर में पाया गया है। हिब्रू, ग्रीक और अरामिक भाषा में लिखा हुआ वल्लम जो स्क्रॉल में अर्थात जो लेदर के ऊपर में लिखा हुआ बाइबल के 100 कॉपी हस्तलिपि प्राप्त हुआ है। और ये हस्तलिपि आज यरूशलेम में जो म्यूजियम के अंदर में एक बाइबल के सबूत के रूप में रखा गया है। सो नंबर वन सबूत है डेड सी स्क्रॉल्स। नंबर टू हम कहते हैं कोडेक्स, कोडेक्स साइनाइटिकस दूसरी सबूत है। साइनाइटिकस कोडेक्स यानी हाथ से लिखा हुआ हस्तलिपि है और वो सेनाई एरिया में पाया गया है। लगभग एडी 330 में लिखा हुआ ये बाइबल के पांडुलिपि जो एक जर्मन स्कॉलर थिस्कनरोफ नाम से जाना जाता है उन्होंने उस एरिया में खोज अध्ययन किया सेनाई एरिया में। तो उसके फलस्वरूप उन्होंने वहां गए एक सन्यासी मठ कादर सेंट कादरिन मोनास्ट्री संत कादरिन सन्यासी मठ के वेस्ट बॉक्स के अंदर में उन्होंने देखा है कि जो बाइबल के ग्रीक भाषा में लिखा हुआ ये प्रति उन्होंने देखा। 1844 में उन्होंने इस खोज अध्ययन किया। इसके द्वारा लगभग 199 वल्लम पेजस बच्चों के चमड़े बच्चड़े के चमड़े के ऊपर में उसको शीट बना करके उसमें लिखा हुआ ये पेजस स्क्रॉल्स है और वो वहाँ पर उस वेस्ट बॉक्स के अंदर में से पाया है। जो सेंट कैथरीन के लोग सन्यासी मठ के लोग इसे कचरा समझ करके जलाने के लिए रखा था लेकिन बाइबल के सबसे बड़ा सबूत के रूप में इस 1844 में फाइंड आउट किया गया है। और ये जो जो बाइबल के कॉपी जो है December 24, 1933 में जो रशिया के हाथ में से ब्रिटिश लोग उनको खरीदा, ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको खरीदा जो 5,10,000 डॉलर्स पेमेंट दे करके रशिया के हाथ से बाइबल के ये हस्तलिपि खरीदा साइनाइटिकस कोडेक्स। और ये कोडेक्स आज जो है ब्रिटिश म्यूजियम में सबूत के रूप में बाइबल के सबूत के रूप में रखा गया है। जो साइनाइटिकस कोडेक्स कोडेक्स इसका मतलब है ये सिनाई एरिया में से ये प्राप्त होने के कारण इस कोडेक्स को नाम दिया है कोडेक्स साइनाइटिकस। ये भी बाइबल के एक पुराना हस्तलिपि के रूप में आज भी पाया जाता है। नंबर थ्री हम देखते हैं कोडेक्स वाटिकानस अर्थात बाइबल के हस्तलिपि, ये इसको कोडेक्स वाटिकानस कहते हैं। कोडेक्स वाटिकानस कहने का मतलब है ये वाटिकान लाइब्रेरी के अंदर में पाया जाता है। नो किसी को भी ये नहीं मालूम कि ये कोडेक्स बाइबल के हस्तलिपि कैसा रोम में वतिकान में पोप के अधीनता में आया
लेकिन 1481 से लेकर के ये वतीकान लाइब्रेरी में पाया जाता है 19वीं शताब्दी तक इस कॉडेक्स को पोप लोगों ने अध्ययन करने के लिए पंडितों को उसके ऊपर अध्ययन करने की अनुमति नहीं दिया, उन्होंने उसको सीक्रेट में रखे। और लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद पोप लोगों ने इसे बाइबल विद्यार्थियों को स्कॉलर्स को अध्ययन करने के लिए अनुमति दिया और उसका फोटो कॉपी निकाल करके जो उसका अध्ययन करने के लिए अनुमति दिया है। 795 पेजेस उसके अंदर में पाया जाता है और ये भी बाइबल के हस्तलिपि के रूप में एक बड़ा सबूत है, आज भी रोम के वतीकान लाइब्रेरी के अंदर में पाया जाता है। इस कोडेक्स वतीकानस के अंदर में जो बाइबल के पुराना नियम और नया नियम के कुछ पोर्शन से छोड़ करके बाकी पूरा समस्त बाइबल के प्रति कोडेक्स वतीकानस में पाया जाता है, आज भी इस रोम के वतीकान लाइब्रेरी में रखा हुआ है। चौथा कोडेक्स अर्थात हस्तलिपि, उसका नाम है कोडेक्स अलेक्सांड्रियानस। कोडेक्स अलेक्सांड्रियानस का मतलब है ये कोडेक्स अर्थात हस्तलिपि अलेक्जेंड्रिया में, इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया में पाया गया है। लगभग एडी 450 में, 450 में ये कोडेक्स लिखा गया है, हस्तलिपि लिखा गया है। ये 1708 में अलेक्जेंड्रिया के पैट्रियार्क अर्थात बिशप को ये कोडेक्स दिया गया है। सो अलेक्जेंड्रिया के बिशप को ये देने के कारण इसको कोडेक्स अलेक्सांड्रियानस नाम दिया गया है। लेकिन बाद में 1757 में ये अलेक्सांड्रियन कोडेक्स जो है ब्रिटिश म्यूजियम में ट्रांसफर किया गया है। सो ये कोडेक्स अलेक्सांड्रियानस आज भी बाइबल के एक हस्तलिपि सबूत के रूप में ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर में पाया गया है। इन सारे कोडेक्स जो है बाइबल की जो वास्तविकता को दर्शाता है उसके अस्तित्व के सबूत के रूप में आज भी हमारे सामने है। नाउ और हम एक और बाइबल के अनुवाद और हस्तलिपि के बारे में देखेंगे, वो इन सारे कोडेक्स से भी पुरातन काल का है अर्थात बीसी ईसा पूर्व 285 से लेकर 250 के जो पीरियड में जो इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया में अनुवाद किया गया बाइबल की एक कॉपी है। सो इस कॉपी को हम सेप्टुजेंट कहते हैं, सेप्टुजेंट कॉपी जो है बीसी 285 टू 250 के बीच में अनुवाद किया गया बाइबल की कॉपी है अर्थात अलेक्जेंड्रिया में अर्थात इजिप्ट के उस समय के राजा टोलमी सेकंड फिलाडेल्फस। ये टोलमी सेकंड फिलाडेल्फस जो है ये टोलमी 1 सोटियोर उनका बेटा है, सोलमी सोटियोर के बेटा टोलमी फिलाडेल्फस। उन्होंने उस समय वहां का राज इजिप्ट के राजा होने के कारण या फारो होने के कारण उस समय अलेक्जेंड्रिया नगर के इजिप्ट के नौ उत्तर भाग में समुद्र तट पर बनाया गया सिकंदर महान के द्वारा बनाया गया एक ग्रीक सिटी है अलेक्जेंड्रिया। और इस अलेक्जेंड्रिया जो उस समय के सबसे फेमस ग्रीक कल्चर के एक सिटी थी और वहां पर उन्होंने वो समुद्र तट पर होने के कारण लाइट हाउस बनाया। इतिहास में हम देखते हैं एंशियंट जो वर्ल्ड में सो द 7 वंडर्स ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड, पुरातन काल के 7 अजूबों में से एक जो है अलेक्जेंड्रिया के लाइट हाउस है। इसका मतलब है वर्ल्ड फेमस एक ग्रीक कल्चर का सिटी थी अलेक्जेंड्रिया। उस अलेक्जेंड्रिया में एक लाइब्रेरी बनाया गया फिलाडेल्फस। उन्होंने सोचा कि सभी धर्म ग्रंथ का एक एक कॉपी इस लाइब्रेरी के अंदर में होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने इब्रानी हिब्रू लोगों के बाइबल अर्थात पुराना नियम के एक ग्रीक अनुवाद चाहा
उसके लिए उन्होंने यरूशलेम में यहूदियों के महायाजक एलियासर को रिक्वेस्ट किया, कहा कि वहाँ से यूनानी और हिब्रू भाषा से निपुण ऐसा पंडितों को भेज ताकि वो इब्रानियों के बाइबल हिब्रू भाषा में से, अर्थात पुराना नियम हिब्रू भाषा में से यूनानी भाषा में अनुवाद किया जाए। सो टोलेमी फिलाडेल्फियस के रिक्वेस्ट के अनुसार एलियासर यरूशलेम के जो महायाजक है उन्होंने 70 पंडितों को, हिब्रू और ग्रीक भाषा के पंडितों को बाइबल ट्रांसलेशन के लिए अलेक्जेंड्रिया में भेजा। वे लोग अलेक्जेंड्रिया में आकर के 70 पंडित लोग 70 दिन के अंदर में बाइबल पुराना नियम, इब्रानियों की पुराना नियम जो बाइबल है उसको अनुवाद करके यूनानी भाषा में अनुवाद करके दे दिया। उस यूनानी अनुवाद को उन्होंने नाम दिया है सेप्टुजेंट। सेप्टुजेंट यानी 70, अर्थात 70 पंडितों के द्वारा 70 दिन के अंदर में यहूदी बाइबल हिब्रू भाषा में से नई भाषा में, अर्थात ग्रीक भाषा में अनुवाद किया। उसका नाम है सेप्टुजेंट। और इस प्रकार उन्होंने इस भाषा में अनुवाद करके लगभग 285 BC से लेकर 250 के बीच में ये अनुवाद किया गया है और अनुवाद करके अलेक्जेंड्रिया के लाइब्रेरी में उसको रखा गया है। और वो ग्रीक अनुवाद आज भी इसराइल में पाए जाते हैं और हो सकता है कि यही ग्रीक अनुवाद, अर्थात सेप्टुजेंट बाइबल प्रभु यीशु मसीह के समय पर प्रचलित थी और यीशु मसीह भी यही सेप्टुजेंट बाइबल उपयोग किया है। सो ये बाइबल के एक सबसे बड़ा सबूत के रूप में पुराना नियम के ग्रीक अनुवाद पाया जाता है। ये सारे अनुवाद, सारा कोडेक्स जो है बाइबल के अस्तित्व को और उसमें सबूत के रूप में पाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं बाइबल का डिवीजन। बाइबल अध्ययन के लिए यहूदी लोग बाइबल को 3 भाग में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो है तलमूद, दूसरा जो है नबी और तीसरा जो है कतुबी। तोरा यानी बाइबल के पुराना नियम के पहला 5 पुस्तक, उसको तोरा कहते हैं। पुराना नियम के डिवीजन में आपके सामने बता रहा हूं, मूसा के द्वारा लिखा गया 5 पुस्तक पेंटेटुक, पंच ग्रंथ। और दूसरा नबीम, नबियों के द्वारा लिखा गया, उसमें यहोशू से लेकर के नबियों के द्वारा लिखा गया सारा पुस्तक को नबीम कहते हैं। और उसके बाद कितुबीम, अर्थात इतिहास एवं पोएटिकल बुक्स, उसके अंदर में भजन संहिता से लेकर के यशरा, नहमिया, इतिहास के पुस्तक हैं, ये सारे पोएटिकल बुक्स भी इसमें इंक्लूडेड है। ये सारे बुक्स को मिला करके कतुबीम नाम दिया गया। ईसा, तोरा, नबीम, कतुबीम, 3 डिवीजन में पुराना नियम को यहूदियों ने डिवाइड किया। नया नियम जो है आज के हमारे जो बाइबल के नया नियम को 4 भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं 400 समाचार, उसके बाद हम देखते हैं इतिहास के पुस्तक प्रेरितों के काम, फिर हम देखते हैं कि पत्रिया जो उसके बाद भविष्यवाणी के पुस्तक है जो है उसको प्रकाशित वाक्य कहते हैं। इस प्रकार बाइबल का डिविशंस किया गया है। सो इस वीडियो में हमने देखा है कि बाइबल के पुरातन काल के हस्तलिपि, पांडुलिपि आज भी पाए जाता है। इसका मतलब है बाइबल की वास्तविकता को, बाइबल के ईश्वरत्व को दर्शाने के लिए समर्थन के रूप में इन सारी बातें आज तक अलग अलग मिसियों में रखा हुआ है और बाइबल के सबसे बड़ा सबूत है। सो यहाँ पर हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे और बाकी भाग है बाइबल किस प्रकार कानोनिकल बुक बनाया गया है, कब इसको कानोनिकल के बुक के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है, इन सारे बातों को और हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए विराम करते हैं। प्रभु आपको आशीष दें।